आप सभी लोगों का वेलकम है एक नई वीडियो में। तो आज हम फ्रेंड्स बात करेंगे बोगनवेलिया प्लांट पे, और ये इस प्लांट की कोई ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती और इस पर बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी हमें देखने को मिलती है। तो आप देख सकते हैं इस पर काफ़ी अच्छे से जो है फ्लावर आए हुए हैं, देख सकते हैं। तो आज इन्हीं के बारे में आपको जानकारी देंगे कि आप पे अगर ज़्यादा टाइम नहीं है, आप अपने प्लांटों की ज़्यादा केयर नहीं कर पाते, तो किस तरह से इन प्लांटों को लगा के आप अपने गार्डन या टेरेस को बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं। तो आज मैं पूरी डिटेल में आपको इस प्लांट के बारे में जानकारी दूंगा कि आप इस प्लांट को कैसे अपने घर पे लगा सकते हैं और कैसे इस पे अच्छे से फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो चालू करते हैं अपनी वीडियो, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। तो फ्रेंड ये है हमारा बोगनवेलिया का प्लांट। तो ये देख सकते हैं ये काफ़ी बड़े साइज़ का जो है प्लांट है। इसकी हाइट अभी 4 से 4 साढ़े 4 फीट की हाइट है, और आप देख सकते हैं इस पे जो है फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो ये प्लांट ऐसा है जैसे ही फरवरी का समय आता है, बाहर के दिन लगते हैं, वैसे ही इन प्लांटों पे जो है कि फ्लावरिंग आनी शुरू हो जाती है। तो आप देख सकते हैं इस पे बहुत ही जल्दी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। और फिर आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप के प्लांट भी आप देख सकते हैं, इसकी भी जो हाइट है वो 3 साढ़े 3 फीट के आसपास होगी। और इस पे भी आप देख सकते हैं कि जो इस पे पत्तियाँ बहुत कम है और इस पे जो फ्लावरिंग है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। तो आपको जब भी आप बोगनवेलिया लगाते हैं तो आपको एक ट्रिक फॉलो करनी है। उस ट्रिक को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके बोगनवेलिया पे ज़्यादा फूल आएंगे और बहुत ही कम पत्ते। अब ये देखिए, ये मैं आपको तीसरा प्लांट दिखा रहा हूँ, तो इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग देखने को मिलेगी और जो पत्ते हैं कम हैं। पहले वाले में पत्ते ज़्यादा थे, फूल कम थे, दूसरे वाले में पत्ते नॉर्मल थे, और जो तीसरा प्लांट है उस पर पत्ते बहुत ही कम हैं। तो ये एक ट्रिक है जिस ट्रिक से हम अपने प्लांट पे बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो वो ट्रिक हम बताने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की फूलों की वीडियो आपको मिलती रहे। आप वीडियो देखते देखते शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना भूल जाते हैं। और अगर आपको कोई और जानकारी प्लांट की लेनी हो, या आप किसी नई प्लांट की वीडियो चाहते हैं, तो आप जो है कि हमें कमेंट करके अपनी राय बता सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये है वाइट कलर का बोगनवेलिया का प्लांट। तो अभी मैंने आपको दो कलर तीन दिखा दिए हैं, रेड और जिसमें फिर गुलाबी है, और फिर ये हमारा वाइट। तो ये देखिए, फिर मैं आपको और कलर दिखाता हूँ। तो ये देखिए येलो कलर है, यानी कि पीले कलर में आप देख सकते हैं। तो इसमें कई कलर आते हैं, आपको एक प्लांट पे कई ग्राफ्ट मिल जाएंगे, मतलब एक ही प्लांट 3-4 कलर तरह ग्राफ्ट किए जाते हैं। तो एक प्लांट पे हमें 3-4 कलर देखने को मिल जाते हैं। तो ये देख सकते हैं, और अभी मैंने आपसे बात कर रहा था कि इस पे क्या ट्रिक हम अपनाएं, ताकि हमारे प्लांट पे जो लीव हैं यानी इसकी पत्तियां कम आएँ और फ्लावर ज़्यादा आएँ। तो आप देख सकते हैं कि इधर कटिंग लगाई गई हैं और इन पर भी काफ़ी अच्छे से जो कि फ्लावरिंग हो रही है। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी आप बोगनवेलिया लगाते हैं तो उसका पहला आपको काम ये करना है, जब उसकी ऊपर से मिट्टी सूख जाए तभी आपको पानी देना है। मतलब आप डेली डेली पानी मत दें, और अगर आपका जो प्लांट है उस पर फ्लावरिंग आई नहीं है, सिर्फ पत्ते ही पत्ते हैं, तो आप उसको 2-3 दिन पानी ना दें। फिर क्या होगा, आपके प्लांट के जो पत्ते हैं वो जैसे उनमें पानी की कमी हो जाती तो पत्ते लटक जाते हैं, उसी तरह का आपके प्लांट में लीव्स लटक जाएंगे। उसके बाद फिर आप उसको पानी ज़रूर दें, नहीं तो आपका फिर प्लांट जो है, अगर आप फिर नहीं पानी आगे भी देते हैं तो प्लांट क्या होता है कि फिर प्लांट ख़त्म हो जाएगा, मर जाएगा। तो ये ट्रिक होती है, तो वो ट्रिक नर्सरी पे अपनाई जाती है। तभी आप देख सकते हैं नर्सरी पे आपको हर एक पोट में जो कि ये फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। तो आप ये ट्रिक अपना के अपने बोगनवेलिया पे खूब अच्छे से फ्लावर ले सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे खूब फ्लावरिंग हो रही है।
तो आप ये ट्रिक ज़रूर अपनाएं। और दूसरी बात, आपको फ्लावरिंग के साथ साथ इसे फीडिंग भी देनी पड़ेगी, तभी कोई प्लांट जो होता है फ्रूटिंग या फ्लावरिंग जब भी करता है जब उसको सभी तरह के उसकी फीडिंग उसे मिलती रहे। तो आप इसमें गोबर खाद या फिर बर्मी कंपोस्ट जो है कि वो डाल सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे कितने अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है बोगनवेलिया की। तो आप गोबर खाद या बर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए और इसे 15 दिन में एक बार 2 या 3 दाने DAP के डालें। आप इन बातों को अगर फॉलो करते हैं ना, तो मैं गारंटी देता हूँ आपका बोगनवेलिया प्लांट बहुत ही फ्लावरिंग करेगा, बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करेगा। ये सीक्रेट जो मैं आपको बता रहा हूँ ये नर्सरी वालों का है। आप देख सकते हैं जितने प्लांट है इस पर अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो आज की वीडियो कैसे लगी हमें लाइक करके बताएं और इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें।